जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। बहुत सारे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स की हमें ये रिक्वेस्ट आई थी कि सर हमें ITR 2 का फॉर्म भर के दिखाएं, वो भी आप अपने मोबाइल से बना करके दिखाएं प्रैक्टिकली, जिसके अंदर की हमारी सैलरी की इनकम आ रही हो और हमने शेयर मार्केट के अंदर थोड़ा सा ट्रांजेक्शन किया, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो दोस्तों आपको पता होगा ITR भरने के लिए आपको एक तो फॉर्म 16 चाहिए होगा सैलरी के लिए, और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए आपको क्या होगा ब्रोकर की रिपोर्ट चाहिए होती है, जिसे कि टैक्स P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस तरह का बोला जाता है। तो दोस्तों हमारा जो ब्रोकर था, वैसे हम किसी ब्रोकर को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ये जीरोदा की ऐप थी, ठीक है। जीरोदा की ऐप में आपका क्लाइंट आईडी, नाम और पैन नंबर आ जाएगा, और आपको जो ट्रेड वाइज एग्जिट, ये देखिए नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहां पे आपको समरी आ जाएगी कि ये देखिए इंट्राडे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, इंट्राडे के अंदर आपका जीरो था, शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट आपका 10,000 इतना हो गया, लॉन्ग टर्म का आपका हो गया 14,000 रुपए, और इसके बाद आपके जो खर्चे वगैरह आपको यहां पे दिखा दिए गए हैं। इन खर्चों के अंदर दोस्तों आपको पता होगा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, इसका क्लेम आप नहीं ले पाएंगे, बाकी के खर्चों को आप क्लेम कर पाएंगे। इसके बाद में नीचे देखिए अदर चार्जेस आ जाएंगे, फिर इंट्राडे के अंदर अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन की तो वो आ जाएगी। हालांकि हमारे यहाँ पे ट्रांजैक्शन ज़्यादा नहीं थे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसके अंदर आपको बाय वैल्यू और सेल वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। हालांकि मैंने ये येलो कलर से हाईलाइट भी कर दिया है, तो आप अपने किसी भी ब्रोकर के अकॉर्डिंग आप अपना देख सकते हैं डाटा। अब नीचे आएंगे दोस्तों, ये देखिए मैं आपको फिर से एक बार समरी में बता दूं, बाय वैल्यू मतलब इतने रुपए की बाय की, सेल वैल्यू इतने रुपए की सेल की, और जो डिफरेंस था ये आपका प्रॉफिट हो गया था, ऊपर वाला शॉर्ट टर्म और नीचे वाला लॉन्ग टर्म हो जाएगा, और यही 10,700 और 14,100, ये आप ऊपर जा करके देखेंगे तो ये देखिए दोस्तों 10,700 और 14,100 ये आपका डाटा यहाँ पर शो हो जाएगा। अब मैं आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेके जाने वाला हूँ। आपको किसी भी ब्राउजर पर incometax.gov.in लिख देना है, ऊपर इस तरह का एक पर्सन का निशान बनाई दे दिखाई देगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपका पैन नंबर या आधार नंबर यहां पे डाल देना है, जो कि आपकी यूजर आईडी होती है। यूजर आईडी डालने के बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करना है, इस बॉक्स पर आपको एग्री करना है, फिर आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद में दोस्तों आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है, इस तरह का पोर्टल आपका खुल जाएगा। किसी भी तरह की रिटर्न भरने से पहले आपको जो इंपॉर्टेंट काम करना है दोस्तों, वो है AIS, TIS और फॉर्म 26S, वो आपको जरूर चेक कर लेना है। ये तीन यहां पर बॉक्स दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, ई फाइल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ई फाइल पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर आपको यहां पे क्लिक कर देना है। ये करने के बाद में व्यू फॉर्म 26AS, काफी इंपॉर्टेंट आपका ये फॉर्म होता है, जहां पर आपके पैन कार्ड के अकॉर्डिंग जो भी ट्रांजैक्शंस आपने की थी वो आ जाएगी। कंफर्म पर क्लिक करना है, इसको बड़ा कर सकते हैं, आई एग्री पर क्लिक करके आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है दोस्तों। अब यहाँ पे व्यू टैक्स क्रेडिट पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको दोस्तों असेसमेंट ईयर जो सेलेक्ट करना है वो 24-25 है। इसके बाद में HTML करना है और व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपकी सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आ जाएगी दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कौन से सेक्शन में क्या इनकम आपको आ रही है। जैसे आप दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे, 194A होता है आपका FD का ब्याज, जो भी आपकी सैलरी वगैरह सब आ रही है आप यहाँ पर देख सकते हैं, और मेक श्योर करें इस सारे के सारे डाटा को आप ITR में दिखाना सुनिश्चित करें। तो हमारी ये देखिए बिजनेस इनकम जो रिसीट है पार्ट टाइम में दिखा सकते हैं, और ये FD का ब्याज यहाँ पे शो हो रहा था। अब हम वापस से इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाते हैं। फिर से इनकम टैक्स के पोर्टल पर आने के बाद में फिर से इन तीन डॉट पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। इसके बाद में आपको जैसे आप यहाँ पे बैक करेंगे, आपको AIS नाम का यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, इस AIS पर आपको क्लिक कर देना है, प्रोसीड पर क्लिक कर देना है, फिर आपको यहाँ पे फिर से ये AIS का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। AIS पर जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो नीचे TIS पर आपको क्लिक कर देना है, फिर आपको यहाँ पे आपकी ऑन रिकॉर्ड इनकम आ जाएगी। देखिए सेविंग का इंटरेस्ट आपका आ रहा है, FD का ब्याज आ रहा है, बिजनेस रिसीट आ रही है 20,000 रुपए, 74,000 रुपए, 5,500 रुपए, ये इनकम में आपको दिखाना जरूरी है। परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट FD आपकी आ रही है, वो भी आप अपनी दिखा सकते हैं। ये सारी की सारी डेटा को आपको इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर दिखाएं। अब फिर से हम इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाते हैं। फिर से इनकम टैक्स के पोर्टल पर आने के बाद जैसे आप नीचे आएंगे दोस्तों, अब ये देखिए आपको डायरेक्ट ही फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न आपको दिखा रहा है 31/3/2024 की, असेसमेंट ईयर 24-25 है। हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे तो हमें ये पूछेगा कि कौन से असेसमेंट की करनी है, 24-25 आ रहा है, ऑनलाइन पर क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे। पहले भरने की कोशिश की थी आपने, उसी को रिज्यूम करना चाहते हैं तो फाइल रिज्यूम कर दें, अदरवाइज क्या करेंगे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर दें। करने के बाद में तो इंडिविजुअल पर क्लिक करके कंटिन्यू करें। कौन सी ITR का फॉर्म भरना चाहते हैं, मैं आपको यहां पे सुनिश्चित श्योर कर दूं ITR 1 का फॉर्म शेयर मार्केट के इनकम में आप नहीं भर सकते हैं, ITR 2 का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। इसके बाद में प्रोसीड विद ITR 2 आपको कर देना है, लेट्स गेट स्टार्टेड भी आपको कर देना है। यह करने के बाद अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए
ओल्ड में और 3 लाख रुपये न्यू में है तो आपको इसके ऊपर सेलेक्ट करना है। अदरवाइज आपको नहीं ध्यान में आ रहा है तो सिंपली अदर्स पर क्लिक करके भी आप सिंपली कंटिन्यू कर दें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब शेड्यूल वगैरह आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं, आप इनकम वाले शेड्यूल पर आ जाएं। दोस्तों मैं मान के चलता हूँ कि आपकी सैलरी की इनकम आ रही है तो आपने यहाँ पे सैलरी को सेलेक्ट कर रखा है। होम लोन की छूट न्यू में आपको नहीं मिलेगी, ये आपने सेलेक्ट नहीं किया है। इसके बाद में शेड्यूल कैपिटल गेन 112A के ऊपर जैसे दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऊपर वाला शेड्यूल कैपिटल गेन भी अपने आप हो गया है। इसके अलावा आप ज़्यादा कुछ ना करें, नीचे आ जाएं, कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है, फिर कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों अब आपको क्या करना है, स्किप द क्वेश्चन कर देना है। अब ये लाल कलर का एक मैसेज आएगा कि हमारे पास में कुछ ऑनलाइन डेटा आपका आ रहा है, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप उसको देख करके कन्फर्म कर लें या आप मेक चेंजेस भी उसमें चेंज भी कर सकते हैं। तो हमने इसके ऊपर ओके कर दिया है। पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन में हमें आ जाना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर हमारा नाम, हमारा एड्रेस वगैरह सब आएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल, फाइलिंग स्टेटस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों 31 जुलाई से पहले आईटीआर भर रहे हैं तो 139(1), 31 जुलाई के बाद 31 दिसंबर से पहले 139(4), भरी हुई रिटर्न को चेंज करना चाहते हैं 139(5), 92CD और 119 दो ज़्यादा लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। इसके बाद में नीचे आ जाना है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, डू यू विश टू एक्सरसाइज 115BSE ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रिजाइम। आपको पता होगा इस साल से जो डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम है दोस्तों आपको न्यू में ही जाना पड़ेगा। अगर आप न्यू में जाते हैं तो इसको नो रखें, अगर आप कहते हैं कि मुझे ओल्ड में जाना है, डिडक्शन एग्जम्पशन की छूट लेनी है तो यस कर दें। आईटीआर 2 में सिर्फ नो या यस ही आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी एडिशनल फॉर्म वगैरह नहीं भरना है, तो हमने नो करके न्यू टैक्स रिजाइम में जा रहे हैं। इसके अलावा रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट कर दें, 182 दिन यहां पर कर दें, इसके बाद में 115H को नो कर दें, 5A को नो, FPI को नो, इसके बाद में नो, डायरेक्टर आप किसी कंपनी में थे तो यस करके डिटेल डाल दें, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर थे तो यस करके डिटेल डाल दें। इसके बाद में आपको ऊपर क्लिक कर देना है, बैंक डिटेल में आ जाना है, जितने भी बैंक अकाउंट है दोस्तों आपको सारे के सारे यहां पे डाल देने हैं और कम से कम एक अकाउंट वैलिडेट होना जरूरी है ताकि आपका कोई रिफंड बन रहा हो तो वो आपको टाइम से मिल जाए। कंफर्म पर क्लिक आपको कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा कंफर्म हो जाएगा। इस तरह का ग्रीन टिक आपको वेरीफाई वाला दिखाई देगा। अब शेड्यूल सैलरी के बाद हमारी जो सैलरी की इनकम आ रही है, हो सकता है आपको पेंशन की इनकम भी आ रही हो, तो ऐड अनदर पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मान लीजिए ABC लिमिटेड से हमें सैलरी आ रही है वो हमने यहाँ पे डाल दी है। एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर क्या है, उसका जो भी एड्रेस होगा दोस्तों जिस भी सिटी के अंदर वो रहता है वो, उसके बाद में कौन से स्टेट के अंदर आपका जो एम्प्लॉयर है वो रहता है वो आपको सेलेक्ट करना है। पिन कोड आपको जरूर डाल देना है कि उस जो एम्प्लॉयर का एड्रेस कहाँ पर आने वाला है। फिर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर जहाँ से आपकी सैलरी आ रही है वो का पब्लिक है, प्राइवेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। अगर आपकी सैलरी आपको नहीं ध्यान है तो सिंपली अदर्स भी कर सकते हैं। अब नेचर ऑफ सैलरी के अंदर आपको पता होगा 16 नंबर फॉर्म में सारी डिटेल अलग से मिल जाती है। मैं मान के चलता हूं इतना आपको ध्यान है कि आप सैलरी की डिटेल, बेसिक सैलरी सपोज करो हमारी बेसिक सैलरी आ रही है 4 लाख रुपए और 4 लाख रुपए हमने यहां पर डाल दी है। डालने के बाद में एड अनदर पर कोई और ब्रेकअप है तो वो डाल दें, कोई और परक्यूजिट वगैरह लेनी है तो डाल दें, नहीं तो आपको क्या है नीचे आते जाना है, नीचे आते जाना है और सिंपली एड पर क्लिक कर देना है। तो सैलरी की इनकम 4 लाख रुपए आपकी आ गई है। दोस्तों आपको पता होगा 4 लाख की सैलरी पर आपको 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, चाहे आप ओल्ड में जाएं चाहे न्यू में जाएं। तो ये देखिए डिडक्शन आपको मिल चुकी है। अब आपकी 3.5 लाख रुपए ही सैलरी की इनकम रह जाएगी, ये हमने कन्फर्म कर दिया है। अब आपको नीचे आना है दोस्तों, कैपिटल गेन जो हमारी आईटीआर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके लिए हमने आईटीआर 2 बनाई है, कैपिटल गेन पर आ जाना है, ओके पर क्लिक करना है। मैं मान के चलता हूं कि दोस्तों आपने सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट के अंदर ही काम किया है, प्रॉपर्टी का कैपिटल गेन हम इसमें नहीं दिखा रहे हैं। सेक्शन 111A होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 112A होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो इन दोनों ही बॉक्स पर हमने यहां पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों क्या करेंगे, नीचे आकर के कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब हमें यहां पे शेड्यूल डालना है इनका कि हमने कितने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, ये देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अभी तक नहीं डाला है तो 0 आ रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अभी तक नहीं डाला है तो 0 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर क्लिक करके ऐड डिटेल पर हमें क्लिक करके 111A पर क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का क्या मतलब हुआ, कितने रुपए में आपने शेयर को बेचा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, ये आपकी दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगी, परचेज वैल्यू आ जाएगी। इसके अलावा कोई खर्चे हुए थे, एक्सपेंडिचर आपको मैंने बताए थे हल्के से, STT की छूट आप यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा जो छोटे मोटे ब्रोकरेज थे आप यहाँ पे डाल सकते हैं प्रोपोर्शनेट के लिए। इसके बाद में नीचे आपको यहाँ पे आ जाना है।
तो मैं आपको ब्रोकर की रिपोर्ट में एक बार फिर से लेके आने वाला हूँ। ब्रोकर की रिपोर्ट में आने के बाद में दोस्तों नीचे आएंगे, इक्विटी में आएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर बाय वैल्यू और सेल वैल्यू इनको डालनी है। तो हमारी यहाँ पे मैंने टोटल कमांड लगा ली थी, थोड़ा सा होमवर्क आपको कर लेना है। 9650 का खरीदा था, 20448 का बेचा था। तो ये देखिए दोस्तों, 20448 का हमने, चाहे एक शेयर हो चाहे 50 शेयर हो, आपको सारा का सारा डेटा इकट्ठा करके कंसोलिडेट डालना है। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में आपने सेल वैल्यू डाल ली, इसके बाद में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अंदर आपको परचेज वैल्यू डाल लेनी है। 9650 रुपये परचेज वैल्यू हमने डाल दी, तो नीचे क्या होगा दोस्तों, हमारा जो कैपिटल गेन आ जाएगा 10,798 रुपये। ये देखिए 10,798 रुपये का कैपिटल गेन हमारा शॉर्ट टर्म के अंदर आ रहा है। तो दोस्तों, चाहे आपका लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, इसी तरह से आपकी डिटेल जाने वाली है। ऐड पर ने क्लिक कर दिया है, जैसे हम ऐड पर क्लिक करेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बाहर हमारी वो इनकम आ जाएगी। हालांकि थोड़ा सा ये आपका मिसबिहेव कर सकता है, क्योंकि फोन से हम इस रिटर्न को दिखा रहे हैं। 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऐड डिटेल पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों क्या करना है, व्यू शेड्यूल 112A पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में फिर से ऐड डिटेल के ऊपर आपको आ जाना है। जैसे हमने शॉर्ट टर्म में डाला था, आपने शेयर कब खरीदे थे दोस्तों, 31 जनवरी 2018 से पहले खरीदे थे, तो एक एक शेयर की डिटेल जाएगी। 31 जनवरी 2018 के बाद खरीदे थे तो ये देखिए ISIN कोड वगैरह नहीं दिक्कत है, कंसोलिडेट आप दिखा सकते हैं। अब फिर से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन परचेज वैल्यू, इसके बाद में फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन सेल वैल्यू, कोई खर्चे हुए थे आपके तो यहाँ पे डाल दें, अदरवाइज सिंपली जीरो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हमारा दोस्तों जो हुआ था यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये देखिए नीचे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की सेल थी 72,926 रुपये। तो हमारी जो सेल थी दोस्तों ये थी 72,926 रुपये। तो आपको आपका एग्जैक्ट पूरे के पूरे टोटल लगा लेना है 72,926, और इसकी परचेज थी 58,738 रुपये। तो 58,738 रुपये हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में डाल देंगे, 58,738 रुपये। तो हमारा यहाँ पे नीचे जब आएंगे तो हमारा दोस्तों यहाँ पे खर्चा कितना हुआ था, खर्चा हमारा यहाँ पे जीरो हुआ था। 72,000 रुपये का बेचा, 58 का हमने खरीदा था, ऐड पर हमने क्लिक कर देना है। तो जैसे हम ऐड पर क्लिक करेंगे, इधर लास्ट के अंदर आएंगे, तो हमारा नेट प्रॉफिट 14,188 आ रहा है। और ये देखिए दोस्तों 14,188, ये 14,188 हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया। और यहाँ पे हमारे शेड्यूल के अंदर अगर आपको मैं दिखाऊं तो 14,188, ये पॉइंट ये जीरो है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डाल के हमने क्या किया, कन्फर्म पर क्लिक कर दिया है। अब इसके अलावा कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ रही है दोस्तों, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, OS के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आपको पता होगा सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, पार्ट टाइम कोई भी इनकम आ रही है तो आपकी मोटा मोटी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाती है। ये देखिए दोस्तों इनकम चार्जेबल, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। शो डिटेल के ऊपर भी आप जा सकते हैं। सेविंग का ब्याज दोस्तों यहाँ पे आपका आ रहा है, तो सेविंग का ब्याज आप चाहते हैं कि हमारा सेविंग का ब्याज एक्चुअल आए तो आपको यहाँ पे डिटेल करनी है। ऐड अनदर पर जाएंगे, जैसे ही आप दोस्तों यहाँ पे जाएंगे रेंटल डिविडेंड जो जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है उसको सारे के सारे को सेलेक्ट यहाँ पे कर लेना है। इसके अंदर FD का ब्याज, सेविंग का ब्याज, जो जो आपकी थी, कोई पार्ट टाइम इनकम आ रही थी तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली डेटा दोस्तों आपका शो कर रहा है यहाँ पे, ये देखिए सारा मिला करके। ये आपके हिसाब से अगर सही नहीं है तो आप इस बॉक्स पर क्लिक करके इस एडिट के इस निशान पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हमने यहाँ पे किया, एडिट पर क्लिक किया, अब सारा का सारा डाटा यहाँ पे खुल जाएगा। हमारे ASTS 26S में जो सेविंग का ब्याज आ रहा था दोस्तों वो था 5597, FD का जो ब्याज आ रहा था वो भी हमारा काफ़ी था, वो था 74,675 रुपये। तो 74,675 रुपये यहाँ पे ऑटोमेटिक सारा डाटा नहीं आ रहा है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। पिछली बार कोई रिफंड आया था तो उसका एक्स्ट्रा पैसा मिला था, वो हमारा यहाँ आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों कोई और भी आपकी इनकम है तो आप दिखा सकते हैं, अदरवाइज सिंपली हमने सेव पर क्लिक कर दिया है। तो इस तरह से हमारा जो इनकम है अदर सोर्स की वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी है। अब नीचे आने के बाद में हमें क्या करना है, इसको सेव कर देना है। हमने कर दिया है इसको कन्फर्म दोस्तों। कन्फर्म करने के बाद में हमारा इनकम वाला पार्ट हो गया है कन्फर्म। तो ये बेसिक चीजें हमारी हो गई हैं। इसके अलावा काफी सारे शेड्यूल होते हैं, उनके ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं है। पार्ट बी TTI, आप टैक्सेस पेड में आप जरूर आए दोस्तों। आपका किसी ने अगर TDS काटा था, TCS कलेक्ट हुआ था, एडवांस टैक्स था, तो आपको टैक्स पेड में यहां पे आ जाना है। टैक्स पेड में मैंने आपको बताया था हमारा TDS कटा था FD के ऊपर। देखिए सैलरी के ऊपर आपका कुछ TDS कटा होगा तो यहां आ जाएगा, नहीं भी आ रहा होगा तो आप सिंपली ऐड डिटेल करके एम्प्लॉयर का नेम और उसका 10 नंबर, कितनी इनकम आई थी वो डाल सकते हैं। इसके अलावा TDS का आपका यहां पर आ जाएगा, ये देखिए TDS 2, आपका सैलरी के अलावा किसी ने TDS कटा था तो वो आपका यहां पर आ जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको मैंने यहां पर ऑनलाइन भी दिखाया था दोस्तों कि आपकी जो TDS थी वो तीन जगह से आ रही थी, 10,000, 10,000, 1,000, 1,000 और 7,400। तो आपका यहाँ पे ये सेम आ रहा है दोस्तों, ये देखिए 7,400 रुपये FD का था, यहाँ पे 1,000 था और यहाँ पे 1,000 रुपये था, तो आपका अभी तक 600 ही आ रहा है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इस पे आपको क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको एडिट के ऊपर चले जाना है और जो भी डेटा आपका यहाँ पे सही करना है आपने, यहाँ पे सपोज करो 600 की जगह आपने 1000 रुपये करना था तो 1000 रुपये कर देंगे। और यहाँ पे कौन सा आपने क्लेम लेना है, कितना क्लेम लेना है, मतलब अगर आपका ऑटोमेटिकली सही आ रहा है तो आप डाल दें कितनी अमाउंट आपकी इनकम आई थी, हमारी 6000 की जगह यहाँ पे 10000 रुपये आई थी, ये हमने डाल दिया है, सेव पर क्लिक कर दिया है। हेड कौन सा है इनकम का, हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल दिया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सेव पर हमने क्लिक कर देना है। तो सेव पर क्लिक करने के बाद में हमें दोस्तों नीचे आकर के कंफर्म पर क्लिक कर देना है। 9475 रुपये का हमारा TDS था, लास्ट में आने के बाद में पार्ट बी TTI टोटल टैक्सेबल इनकम हमारी कितनी इनकम बनती है, तो इसने इतना करके देखिए हमारा 8000 रुपये का कुछ ऐसा कुछ टैक्स बनाया था, लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख से कम है तो 25000 रुपये टैक्स आपका 87A में माफ़ हो जाएगा, तो आपका टैक्स बन जाएगा 0। लास्ट में देखिए आपका बन रहा है रिफंड, रिफंड जितना भी TDS कटा था 9475 रुपये, 5 रुपये राउंड फिगर में आपको 9400 सीधे दिया है। अब प्रीव्यू रिटर्न पर आपको आ जाना है दोस्तों, इस बॉक्स पे क्लिक करना है, लास्ट में आने के बाद में प्रोसीड टू प्रीव्यू कर देना है, जो भी डेटा आपने भरा होगा वो सारा का सारा यहाँ पे शो कर जाएगा दोस्तों। जैसे आपको यहाँ पे देखेंगे सारे का सारा शेड्यूल यस नो जो भरा था, प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आपको आ जाना है। अब यहाँ पे दोस्तों कोई भी कमी होगी, कोई भी आपको मिस्टेक होगी तो यहाँ पे बता देगा कि एक कमी आपकी है और ये वाली कमी है, इस कमी के ऊपर आपको ओके कर देना है। प्लीज सेलेक्ट द ड्रॉप डाउन ऑफ हेड, ये मैंने आपको जो आपने TDS में यहाँ पे दिखाया था तो हो सकता है वो यहाँ पे सेव ना हुआ हो, तो कौन से हेड में आपको ये इनकम दिखानी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हमने दिखा करके सेव कर देना है। फिर से हमें प्रोसीड टू वैलिडेशन पर चले जाना है। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से हमारा प्रोसीड टू वैलिडेशन पर जैसे ही हम आए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, बहुत बहुत बधाई हो। प्रोसीड टू वेरीफिकेशन पर आ जाना है, ITR भरने के लिए ई वेरीफाई नाउ का ऑप्शन आप सेलेक्ट करें, कंटिन्यू पर क्लिक करें, आपके आधार कार्ड में जो नंबर दिया होगा दोस्तों उसके ऊपर आई वुड लाइक टू जनरेट आधार OTP पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आधार OTP पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP करेंगे, तो आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर दिया गया है दोस्तों, ये देखिए ऊपर से OTP का एक मैसेज भी आया है, ये आधार का OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद में आपको क्या करना है, वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे ये पूछेगा कि आर यू श्योर टू सबमिट दिस रिटर्न, क्या आप सच में इस रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं, फिर आपको यस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी ITR 2 मोबाइल से आपने भर दी है। तो इस तरह से आप अपनी ITR भर सकते हैं दोस्तों। हमसे ITR से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए हो तो 88750 42000, ये हमारे ऑफिस का कॉलिंग या व्हाट्सअप नंबर है, हमारी मेल ID है, हमारा मैसेज है, सोशल मीडिया पर आप हमसे कुछ डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा आपकी हेल्प करने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ITR 2 सैलरी हो या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की इनकम हो उसके ऊपर आपने ITR भरनी है तो आप इस तरह से अपनी ITR भर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।